अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद अवान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, पिंडी में ये जो अहतमाम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आग जो है 26 नवंबर खान साहब ने कॉल दी थी, तो ये कल रात से ही खान साहब के जो टाइगर्स हैं वो पहुँचना स्टार्ट हो गए थे। इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किल पेश आई इनको आते हुए और कैसा माहौल देखा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मियां दस्तार अहमद, मैं एडवोकेट हूँ, गोजरांवाला बार का मेम्बर हूँ। तो वो है कोई शरीक जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश, खुदा की कसम ये मट्टी वफा को तरसेगी। तो अब इसमें कौन सी मुश्किलात हैं, जब खान साहब जो है वो बीमार होने के बाद अब उन्हें फायर लगा हुआ है, जख्म अभी उनके हैं, तो वो आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये सबको आना चाहिए, इसमें तो कोई नहीं है कि किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगता है खान साहब आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? इंशाल्लाह खान साहब आज वो कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं, जो ये तो ज़ाहिर है खान साहब वो दो तीन दिन से कह रहे हैं और ये है आज तवक्को की जा रही है कि ये फाइनल राउंड हम खान साहब ये खेल रहे हैं, तो इसमें शोर शोर है कि कोई बड़ा ऐलान होगा। और मुझे ये बताएं कि क्या खान साहब को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना मुहतात रहना चाहिए या नहीं? जी इसमें तो कोई शक नहीं, खान साहब जो है वो ज़ाहिर है उमते मुस्मा के अजीम लीडर हैं, तो उनको उस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो वो थ्रेड वो पहले आ रहा है वो हो चुका है खान साहब पर अटैक, तो अब उम्मीद तो यही है कि खान साहब जो है वो इंशाल्लाह ताला वो पूरी एहतियात करेंगे, और ये पूरी आवाम जो है उनका भी खान साहब पे वो प्रेशर भी है कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, या वो पहले वो खान साहब काफ़ी केयरलेस थे, तो अब आवाम उन्हें से वो प्यार करते हैं लोग, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी वो केयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू।